Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about 8 reasons to own gold. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. So आज के वीडियो में हम बात करने वाले 8 good reasons to own gold. सबसे first है value. अनलाइक पेपर करेंसी कॉइन्स या फिर अदर असेट्स के अगर हम बात करें तो गोल्ड जो है उसने अपनी वैल्यू को मेंटेन करके रखा है थ्रू आउट द एजेस. अब देख सकते हो 50 इयर्स के अंदर गोल्ड के प्राइस में हमें कितना चेंज देखने मिला है. लोगों को ये एक बहुत ही अच्छा असेट लगता है टू क्रिएट देयर वेल्थ. सिंस एंशंट टाइम से लोग ऐसा मानते हैं कि ये वैल्यूड किया गया था ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस प्रेशियस मेटल. इसीलिए गोल्ड को इतना वैल्यूएबल आज भी मानते हैं. गोल्ड डजंट कोरोड एंड कैन बी मेटल्ड ओवर अ कॉमन फ्लेम मेकिंग इट ईजी टू वर्क विद द स्टैम्प एज अ कॉइन. मोर ओवर गोल्ड के पास बहुत सारी यूनिक क्वालिटीज हैं एंड बहुत ही ब्यूटिफुल कलर्स है अनलाइक द अदर एलिमेंट. तो ये सारे इम्पोर्टेंस है गोल्ड के, इसीलिए इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है. सेकेंड है वीकनेस ऑफ द US डॉलर. ऑल दो US डॉलर जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजर्व करेंसी माना जाता है, वेन द वैल्यू ऑफ डॉलर फॉल्स अगेंस्ट द अदर करेंसी जो हुआ था इन द ईयर बिटवीन 1998 टू 2008, तो गोल्ड का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है. द प्राइस ऑफ द गोल्ड नियरली ट्रिपल्स बिटवीन द ईयर 1998 एंड 2008 रीचिंग $1,000 एन आउंस माइलस्टोन इन द अर्ली 2008 एंड नियरली डबल बिटवीन 2008 एंड 2012. तो आप देख सकते हैं गोल्ड के प्राइस में कितना चेंज आता है US डॉलर की वजह से. थर्ड है इन्फ्लेशन हेज. जैसे कि हम सभी को पता है कोई ना कोई गोल्ड के अंदर इसीलिए इन्वेस्ट करता है बिकॉज वो अपनी अनसर्टेनिटीज के टाइम पे काम आ सके. गोल्ड जो है वो हिस्टोरिकली बहुत ही एक्सेलेंट हेज माना गया अगेंस्ट द इन्फ्लेशन बिकॉज इट प्राइस टेंड्स टू राइज व्हेन द कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंक्रीजेस. ओवर द पास्ट 50 इयर्स इन्वेस्टर ने ये देखा है कि गोल्ड के प्राइस कैसे राइज होते हैं एंड स्टॉक मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट होता है ये हाई इन्फ्लेशन ईयर्स के टाइम पे. दिस इज़ बिकॉज व्हेन द फियाट मनी लूजेस इट्स परचेसिंग पावर टू इन्फ्लेशन गोल्ड का जो प्राइस है वो फिर भी राइज करता है इन दोज करेंसी यूनिट एंड टेंड्स टू राइज अलॉन्ग विथ एवरीथिंग एल्स. मोर ओवर गोल्ड जो है वो ऐसे देखा जाता है टू गुड स्टोर ऑफ वैल्यू. सो मेनी पीपल मे एनकरेज टू बाय गोल्ड व्हेन दे बिलीव दैट देयर लोकल करेंसी इज लूजिंग इट्स वैल्यू. नेक्स्ट है डिफ्लेशन प्रोटेक्शन. डिफ्लेशन जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ पीरियड जिसके अंदर प्राइस जो है वो डिक्रीज होते जाता है बट when the business activity slows down and the economy is burdened by the excessive debt which has not seen globally since the great depression of the 1930. although thoda bahut hame deflation dekhne mila tha 2008 ke financial crisis mein in some part of the world but itna zyada nahi dekhne mila hai. during the depression the relative purchasing power of the gold soars while the other prices drop sharply. This is because people choose to hoard cash and the safest place to hold cash was in gold and gold coins at that time. Next है geopolitical uncertainties. Gold जो है वो retain करता है अपनी value not only in the times of the financial uncertainty but also in the time of the geopolitical uncertainty. It is often called as crisis commodity because people जो है वो flee करते हैं to its relatively safely when the world tension rises such as it often outperforms from the other investment. For example, gold ka jo price ever experience kar raha hai some major price movement in this year in response to the crisis occurring in the European Union. Its price often rises most when the confidence is low and the government is low. Next hai supply constraint. बहुत सारा जो सप्लाई है गोल्ड का इन द मार्केट सिंस 1990 वो आता है थ्रू द सेल्स ऑफ द गोल्ड बुलियन फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ग्लोबल सेंट्रल बैंक. द सेलिंग बाय द ग्लोबल सेंट्रल बैंक स्लोड ग्रेटली इन द ईयर 2008 बिकॉज तभी डिप्रेशन था. एट द सेम टाइम प्रोडक्शन ऑफ द न्यू गोल्ड फ्रॉम द माइंस हैज़ बीन डिक्लाइनिंग सिंस द ईयर 2000 अकॉर्डिंग टू द बुलियन वर्ल्ड. एनुअल गोल्ड का जो माइनिंग था
वो आ गया था 2573 मेट्रिक टन्स इन 2000 एंड 2444 मेट्रिक टन्स इन द ईयर 2007. इट कैन टेक फ्रॉम 5 to 10 ईयर्स टू ब्रिंग न्यू माइंस इनटू प्रोडक्शन. एज अ जनरल रूल, रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ द गोल्ड इंक्रीजेस द गोल्ड प्राइसेस. तो अभी आपके पास गोल्ड हो तो वो अच्छी बात हो सकती है अगर सप्लाई में कोई भी चेंज आए तो. नेक्स्ट है इंक्रीजिंग डिमांड. इन द प्रीवियस ईयर हम देख सकते हैं कि गोल्ड का प्राइस जो है वो कैसे इंक्रीज होते जा रहा है. इंक्रीज्ड वेल्थ ऑफ द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी बूस्टेड द डिमांड फॉर द गोल्ड. इन मेनी ऑफ दिस कंट्री गोल्ड इज इंटरवाइंड इनटू द कल्चर. चाइना के अंदर हम देख सकते हैं कि गोल्ड बार जो है वो एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सेविंग है एंड इसीलिए डिमांड जो है गोल्ड का वो बहुत ज़्यादा है. इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमिंग नेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर. इट हैज़ मेनी यूजर्स देयर इंक्लूडिंग ज्वेलरी. जैसे कि आप देख सकते हो इंडिया के अंदर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी का कितना शौक होता है लोगों को. अगर उनके पास थोड़े भी पैसे ज़्यादा आ जाते हैं तो वो गोल्ड में प्रोबेबली इन्वेस्ट करते हैं. तो ये सबसे डिमांड जो है ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है. एज अ रिजल्ट एन इंडियन वेडिंग सीजन इन अक्टूबर इज ट्रेडिशनली द टाइम ऑफ द ईयर दैट सीज द हाइएस्ट ग्लोबल डिमांड फॉर द गोल्ड. तो अक्टूबर में आप इस बार नोटिस करना कि गोल्ड के प्राइस के अंदर हमें कितना चेंज देखने मिलेगा. डिमांड फॉर द गोल्ड इज ऑल्सो ग्रोइंग अमॉन्ग्स द इन्वेस्टर. मैनी आर बिगनिंग टू सी कमोडिटी पर्टिकुलरली गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास इन टू फंड शुड बी अलोकेटेड. नेक्स्ट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन. द की टू डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो इज फाइंडिंग द इन्वेस्टमेंट दैट आर नॉट क्लोजली रिलेटेड टू एनी अदर. गोल्ड जो है वो हिस्टोरिकली हैड अ कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन टू द स्टॉक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. रीसेंट हिस्ट्री दैट इज 1970 के अंदर गोल्ड जो था वो बहुत ही अच्छा था एंड बट स्टॉक्स जो था वो बहुत ही टेरेबल माना जाता था. इन द ईयर 1980 एंड 1990 वो वंडरफुल फॉर स्टॉक बट हॉरिबल फॉर गोल्ड. 2008 के अंदर हमें देखने मिला कि स्टॉक जो था वो ड्रॉप हो गया था सस्टेनेबली एज अ कंज्यूमर माइग्रेटेड टू गोल्ड. तो ये सारे चेंजेस हमें देखने मिल सकते हैं. अगर हम प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गोल्ड को हम गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड स्टॉक एंड बॉन्ड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. हमें हमेशा हमारा पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि अगर कोई भी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है आपके लिए तो दूसरा इन्वेस्टमेंट जो है वो वर्क करेगा. तो इससे आपका जो ओवरऑल रिस्क है वो भी रिड्यूस हो जाएगा एंड पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई होगा. हर भी जितने भी पैसे वो एक ही जगह पे नहीं लगेंगे. इससे आपको ज़्यादा रिटर्न एंड वॉलिटिलिटी मिल जाएगी. गोल्ड जो है उसको हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कंसिडर कर सकते हैं अगर हमें डाइवर्सिफाई करना है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, बिकॉज इसकी जो प्राइस है वो रिस्पॉन्सिवली देखने मिली है राइज में. बट हम स्टॉक्स, बॉन्ड ये सब को भी कंसिडर कर सकते हैं. ऑल्दो प्राइस जो है गोल्ड का वो वॉलेटाइल होता है इन शॉर्ट टर्म, इट हैज़ ऑलवेज मेंटेन इट्स वैल्यू ओवर द लॉन्ग टर्म. अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है देन गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है. थ्रू द ईयर्स इट हैज़ सर्व एज द हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन एंड द इरोशन अगेंस्ट द मेजर करेंसी एंड थस इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट वेल वर्थ कंसिडरिंग. ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम गोल्ड के ऊपर लाने वाले, ये पूरी सीरीज़ है. तो अगर आपको वो सारे वीडियोज़ देखना है तो स्टे ट्यून फॉर दैट. And if you like the video, please do like, comment, share. And you can follow us on Instagram @DailyCommodity. Thank you for watching.